आज हम बनाएंगे टिपिकल मैंगलोरियन रावस फिश करी जो कोकोनट मिल्क में बनाएंगे हम। तो हम एक नजर इंग्रेडिएंट्स पे डालेंगे। हमने लिया है 1 फुल कोकोनट जिससे हम उसका कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट करेंगे, और लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट मैरिनेट के लिए, धनिया लिया, टैमरिन लिया है, 2 अनियन लिया है, गार्लिक है, जिंजर, रेड चिल्लीस, जीरा और ब्लैक पेपर, करी पत्ता लिया, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च और हल्दी पाउडर। तो हमें अभी पहले होकर मैरिनेट करके रखेंगे। ये 1.5 किलो फिश है रावस का, आप कोई भी फिश ले सकते हैं। और अभी इसमें हल्दी पाउडर, नमक भी डाला है, अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको मैरिनेट करके कम से कम आधा घंटे के लिए तो हम रखेंगे, ताकि इसका टेस्ट जो है अच्छा निकल आएगा। अब हमें इसको साइड में रखेंगे और हम मसाला ग्राइंड करेंगे। जो 1/2 कोकोनट स्क्रैप करके रखा था उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और सभी स्पाइसेस को डालेंगे एक ही साथ, और एक साथ इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे। और मीन टाइम मैंने फुल कोकोनट से मिल्क एक्सट्रैक्ट करके साइड में रखा है। इसको पहले ग्राइंड करते हैं, इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और जो एक्स्ट्रैक्ट हुआ मिल्क भी इसमें ऐड करेंगे, ग्राइंड करेंगे उसके साथ में। ग्राइंड हुआ है, अब इसको कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं, मसाला और ये मिल्क, कोकोनट मिल्क, इसको साथ में अभी हमको बॉईल करना है। आपको जैसा गाढ़ा चाहिए वैसा रख सकते हैं, आपके स्वाद अनुसार नमक भी मिलाएंगे। ये मैंने थिक रखा है, इसको ढक के बॉईल आने तक इसको रखेंगे। अच्छे से उबल रहा है तो अभी इसमें हमको डालना है फिश, तो मैरिनेट करके रखा था इसको, फिश को हम डालेंगे और इसको भी अच्छा बॉईल आने तक रखेंगे। इसके साथ साथ में हमने यहाँ पर तड़का देने के लिए फ्राइंग पैन में अनियन डाला है, 2 मिर्च डाली है और कड़ी पत्ता। अब टमाटर भी इसको ऐड करके अच्छे से सॉटे करेंगे, ताकि अच्छा तड़का हम इसमें दे सकते हैं। अभी टेस्ट किया मैंने इस फिश करी को, तो थोड़ा नमक कम था तो नमक ऐड किया। अच्छा बॉईल होने आया है, तो अब हम इसको तड़का देंगे जो हमने रेडी रखा था। हरा धनिया भी डालें, तो हम अभी ट्रांसफर करेंगे छोटे से बॉल में। देखिए बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही मजा आएगा खाने के लिए फिश करी कोकोनट मिल्क में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।